हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप दोस्तों। फिर आज हम आप लोगों के सामने इंजेक्शन मोल्डिंग से संबंधित एक नए टॉपिक के साथ जुड़े हैं। आप लोगों से गुजारिश है, पहले तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। जो मेरे लिए नए हैं, मेरे चैनल के लिए नए हैं, तब स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक। सिंपल सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, उसकी रिक्वायरमेंट बहुत है इंजेक्शन मोल्डिंग में। टॉपिक है इंजेक्शन मोल्डिंग में मशीन के स्क्रू का आरपीएम क्या होता है, या स्क्रू के एसआरएन से आप क्या समझते हैं, उसका वर्क क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसको बढ़ाने या घटाने से पार्ट में क्या क्या अंतर आएगा, इसको कैसे सेट करते हैं और ये होता क्या, सब पे जिक्र करेंगे। और स्टार्ट करते हैं इंजेक्शन मोल्डिंग में जो स्क्रू का आरपीएम रहता है उसे बोलते हैं रिवोल्यूशन पर मिनट्स या रोटेशन पर मिनट्स। एक मिनट के अंदर स्क्रू कितना रोटेट होता है उसे बोलते हैं आरपीएम, या फिर उसी को बोलते हैं एसआरएन। ये तो सिवा मशीन में है एसआरएन। स्क्रू रिवोल्यूशन नंबर्स या स्क्रू रोटेशन नंबर्स, कितने नंबर्स स्क्रू एक मिनट में घूमता है उसको कहते हैं एसआरएन या आरपीएम कहते हैं। इसको स्पीड भी कहते हैं, यानी कि कितना स्पीड हमने दिया, कितने स्पीड में वो रोटेट होके पर मिनट में फिर से वो नंबर्स में बदला, इसी को स्क्रू के घूमने की स्पीड कहते हैं। स्क्रू रोटेट होने की स्पीड है, जितने स्पीड में स्क्रू घूमेगा वही उसका एसआरएन हो जाएगा या आरपीएम हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं रनिंग प्रोसेस में एसआरएन है 120 और चार्जिंग टाइम आ रहा है 21.54। इस चार्जिंग टाइम को कम करने के लिए एसआरएन को बढ़ाएंगे तभी ये चार्जिंग टाइम कम हो पाएगा। 120 को हम करते हैं 150, 150 करने से चार्जिंग टाइम कितना हो जाएगा अभी देखिए आप। स्क्रू चार्ज हो रहा है, स्क्रू चार्ज होने के बाद कंप्लीट चार्जिंग टाइम जो आएगा वो आ रहा है 15.45। मतलब ये एसआरएन को बढ़ाते हैं तो चार्जिंग टाइम कम होता है, और एसआरएन को कम करते हैं तो चार्जिंग टाइम इंक्रीज होता है। किसी मशीन के पैनल में एसआरएन को आरपीएम बोलते हैं, मीनिंग दोनों की सेम है और काम भी सेम। अब यदि एसआरएन को या आरपीएम को इंक्रीज करते हैं तो पार्ट में क्या क्या इफेक्ट पड़ सकते हैं उस पे बात करते हैं। मैंने जो पहला पॉइंट लिया है वो लिया है पार्ट शॉर्ट मोल्डिंग। पार्ट शॉर्ट मोल्डिंग कैसे हो सकता है, क्योंकि जो स्क्रू है ना उसके अंदर मटेरियल प्रॉपर प्लास्टिसाइजिंग नहीं होगा और प्रॉपर चार्जिंग नहीं होगा तो क्या होगा, शॉर्ट मोल्डिंग आने के चांस रहेंगे, स्क्रू तेजी से पीछे भाग जाएगा और प्रॉपर चार्ज नहीं हो पाएगा, इसलिए शॉर्ट मोल्डिंग भी आ सकता है। सेम सेकंड पॉइंट लिया है श्रिंकेज का, जब शॉर्ट मोल्डिंग आ सकता है तो श्रिंकेज आने के चांस रहते हैं। एसआरएन को या आरपीएम को बढ़ाने से तेजी से स्क्रू रोटेट होगा जिससे कि मटेरियल जलने के चांस रहते हैं, तो सिल्वर मार्क आता है, प्रॉपर प्लास्टिसाइजिंग नहीं होता है तो बाउंडिंग ना बनाने की वजह से सिल्वर मार्क आने के चांस रहते हैं। सेम कंडीशन बर्न मार्क भी आ सकता है इसमें, स्क्रू प्रॉपर चार्ज नहीं होगा, एकदम से पीछे भाग जाएगा तो कुशन लेस होने लगेगा, कुशन कम बचने लगेगा और वेरिएशन भी आएगा। स्क्रू को फास्ट हम जो अगर करते हैं रिफिल तो क्या होगा, उसका MFI कम हो जाएगा और फ्लो मार्क आने के चांस रहते हैं, प्रॉपर फिलिंग नहीं हो पाएगी पार्ट, तो फिल टाइम कम हो जाएगा, फिल टाइम कम होने की वजह से उसमें वेरिएशन भी आ सकता है। एकदम से ज़्यादा फास्ट कर दोगे तो प्लास्टिसाइजिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। इसलिए पार्ट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही आप चार्जिंग टाइम सेलेक्ट करें। अब यदि हम चार्जिंग टाइम को इनक्रीज करना है तो हमें क्या करना होगा, एसआरएन को डिक्रीज करेंगे, तब क्या क्या पार्ट में इफेक्ट आ सकते हैं, पार्ट में क्या क्या चेंज आ सकते हैं उस पर बात करते हैं। यदि चार्जिंग टाइम प्रॉपर होगी, स्लो होगी तो पार्ट प्रॉपरली पैक्ड होगा, कुशन मेंटेन रहेगा, फिल टाइम में वेरिएशन नहीं होगा, फिल टाइम मेंटेन रहेगा, वेल प्लास्टिसाइजिंग होगा उसका, जिससे पार्ट की जो प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग क्वालिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, प्रॉपरली मलिक्यूल्स बॉन्डिंग बनाएंगे,
जिससे पार्ट क्रैकिंग या स्ट्रेंथ कम होने के चांस कम रहेंगे। यदि स्क्रू ज़्यादा चार्जिंग टाइम लेता है तो ग्लॉस मार्क आने के चांस रहते हैं और जो अपना सेट साइकिल टाइम है वो इंक्रीज हो सकता है यदि कूलिंग टाइम से भी चार्जिंग टाइम ज़्यादा हो गया तो कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू वेरी मच।